वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यार। कैसी है अपनी वैम फैमिली? काफी लोगों को यार ये इंतजार था कि भाई सेकंड यूनिक हायाबुसा कब आएगी, तो यार ये वीडियो उसी की होने वाली है। मतलब आप लोगों को भी काफी इंतजार था, मेरे को दिखाने का बहुत ज्यादा इंतजार था। संजय भाई के पास जाने से पहले यार मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया डील लेके आया हूँ। जैसे कि हम लोगों को पता है कि यार चांदनी चौक इज वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट होलसेल मार्केट, तो वहां पे बन रहा है एक प्रोजेक्ट जिसका नाम है ओमेक्स चौक और ये सरगंज गुरुद्वारे के बिल्कुल सामने है। जैसे कि यार लॉकडाउन में हम सब ने ये चीज नोटिस करी है कि भाई इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, मंथली इनकम आना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो डील है वो ये है कि अगर आपके पास 35 लाख रुपीस है, 40 लाख रुपीस है, तो अगर आप वो इन्वेस्ट करते हो तो आपको हर महीने 1% मिलेगा। तो 35 लाख रुपीस पे 35,000 रुपीस पर मंथ, मतलब भाई काफी बढ़िया डील है। तो अगर मैं आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में बताऊं तो 4.5 एकर्स का ये ह्यूज प्रोजेक्ट है। ओमेक्स की ब्रांड वैल्यू यार हम सबको पता है। और भी अगर एक दो चीजें बताऊं तो भाई 4 से 5 लाख लोगों का फुटफॉल रोज का, क्योंकि चांदनी चौक में भाई होलसेल मार्केट है और लोग अट्रैक्ट भी होते हैं बड़ा मॉल अच्छी सर्विसेज में। और भी अगर एक दो चीज बताऊं तो भाई मेट्रो कन्वीनियंट बहुत ज्यादा है, ऊपर से 5 लेवल पार्किंग, भाई नेक्स्ट लेवल वहां पे पार्किंग बन रही है और बहुत ह्यूज प्रोजेक्ट है यार। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, नंबर दे रहा हूँ, आप बढ़िया से बढ़िया डील क्रैक कर सकते हो। और मेरे हिसाब से यार इससे ज्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो अब चलते संजू भाई के पास और देखते हैं यार भूसा कैसी तैयार है। सो गाइस फाइनली आई एम हियर, मैं आ चुका हूँ संजू भाई के पास। जैसे कि आपसे प्रॉमिस किया था कि भाई एक भूसा ऐसे आने वाली है जो ना ही किसी ने कवर किया है ना ही किसी ने दिखाई है, तो यार ये है एक पल्सर NS मॉडिफाइड इनटू अ हायाबुसा। एक काम करो, आप करो कुछ रोमांटिक्स और एंजॉय इस बाइक के, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कितना टाइम और कितना बजट लगता है ऐसी बाइक मॉडिफिकेशन कराने में। हाँ जी, तो कैसी लगी बाइक? अगर बाइक अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, सिनेमैटिक शॉट्स अच्छे लगे हो, तो यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और भाई नीचे ना 1000 कमेंट से कम मतलब मुझे नहीं चाहिए। तो अगर हम बाइक को आगे से कवर करें तो इसमें पैराली के टायर्स लगते हैं गाइस। गाइस जो टायर का मेजरमेंट यार भूसा में होता है वही सेम टायर का मेजरमेंट यहाँ पे डाला जाता है। आगे है 130 mm और पीछे 190 mm। अगर हम थोड़ा सा और पीछे हैं तो यार यहाँ पे 2 dual disc ब्रेक हैं, बट एक ही वर्किंग है, एक डमी है। मतलब बंदे ने सिर्फ और सिर्फ पेंट पे खर्चा किया है, बाकी भूसा जैसी होती है वो सारी भूसा ऐसी आती है। बट एक दो भूसा ऐसे आने वाली है जिसमें भाई आपको अपसाइड डाउन सस्पेंशन भी मिलेगा और डुअल डिस्क वर्किंग भी मिलेगी, क्योंकि वो करा सकते हो, बट उसमें यार थोड़ा टाइम और उसमें पैसे थोड़े से ज़्यादा लग जाते हैं। अगर हम थोड़ा और पीछे हैं तो यार इस बाइक की एक खासियत और है कि इसमें एक भी स्टिकर नहीं लगा हुआ, सारे की सारी जो चीज़ें हुई है वो पेंट में हुई है। और अगर मैं आपको कलर बताऊँ तो रेड, सिल्वर, ब्लैक, मतलब इसमें इतने सारे कलर कॉम्बिनेशन। और आप एक बार देखो यार कितनी बढ़िया ये लग रही है। अगर हम बाइक को पीछे से कवर करें तो डुअल सिलेंडर और इसकी एक पूरी किट आती है गाइस, तो आप एक बार देखो कितनी बढ़िया इसकी फिनिशिंग है। ये आगे से पेंट जॉब शुरू हो रही है और ये पीछे तक ऐसी ही जा रही है। और यार काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि भैया आपने ये नहीं लगाया, आपने वो नहीं लगाया, तो यहाँ पे GSX13R भी नहीं लिखना भूला है। बाकी अगर मैं वाइजर की बात करूँ, सबसे बढ़िया जो यूनिक चीज़ मेरे को लग रही है वो है इसका वाइजर, रेड से कॉम्बिनेशन खाती हुई बाइक भाई, रेड ब्लैक सिल्वर एक नंबर लग रही है। अगर मैं हैंडल की बात करूँ तो यार इसका हैंडल बहुत बढ़िया लगता है। और मतलब जब मैं पोस्चर आपको बैठ के दिखाऊंगा ना, आपको प्रॉपर लगेगा कि हाँ भाई मैं बैठा हूँ एक हायाबुसा पे। तो अब करते हैं संजू भाई से बात और पूछते हैं यार कितना टाइम और कितना बजट लगता है ऐसी बाइक में, और आगे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। क्योंकि भैया ने मेरे को फोन के बोला था कि भैया आगे ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं ना कि बस मैं बता नहीं सकता। और एक और चीज़ गाइस, ये काउल खुल जाते हैं, काफ़ी वीडियोस मैंने आपको दिखाया भी है, ये काउल खुल जाता है और उसके नीचे एक सीट है। अगर आपको डुअल चलानी है आप डुअल चला सकते हो, अगर आपको सिंगल चलानी है आप सिंगल चला सकते हो। एक और चीज़ पीछे है इसमें स्मोक टेल लाइट, तो आप देखो कितना बढ़िया इसका लुक आएगा। और टेल लाइट में एक और चीज़ है, अगर आप इंडिकेटर दोगे तो टेल लाइट में यहाँ पे ये लाइट ब्लिंक करेगी, चारों इंडिकेटर्स वर्किंग है। तो चलो फिर करते हैं संजू भाई से बात और पूछते हैं कितना टाइम और कितना बजट लगता है ऐसी भूसा बनवाने में। तो संजू भाई क्या हाल है? बहुत बढ़िया विशेष भाई। तो सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपने जब मेरे को फोन किया था आपने बोला था कि भैया ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट आ रहे हैं कि बस आपके होश उड़ा देंगे, तो कुछ बताना चाहोगे कैसे कैसे प्रोजेक्ट आ रहे हैं? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। मैंने बताया था ना कि भैया कि ये जो भूसा ना थोड़ा सा मुझे बहुत अच्छी लगी, जब मैंने इसको इंस्टाग्राम पे किसी की पोस्ट देखी थी भूसा से ही, तो मैंने यार कोई कस्टमर ऐसा बोलता है तो कलर करा देंगे। इस चीज के लिए दोस्तों पहली बात तो टाइम और पैसा दोनों ही चाहिए। सही बात है, क्योंकि भाई साहब इस काम को करने के लिए ये सारा जितना भी देखोगे ना आप, थोड़ा वीडियो को जूम करके देखना, ये सारा एयर ब्रेसिंग है। सही बात, जो मास्किंग टेप से होता है तो पेंटर करता है, थोड़ा हमें भी लगना पड़ता है। सही बात, इस चीज के लिए बहुत ज्यादा मेहनत हो जाती है।
बाकी जब जाके ऐसी चीज निखर के आती है, समझ रहे हो? और भूसा से तो बहुत अलग है ये, और भूसा से अलग है। हाँ। हमने जो ना जितनी भी भूसा जो कंपनी से कलर आते है ना, हाँ हाँ। अगर हम वो भूसा अपना पैकेज रखा हुआ है 170 का, हाँ हाँ। तो उसके अलावा हम कोई पैसा नहीं लेंगे कस्टमर से, ठीक है? वो येलो हो, रेड हो, व्हाइट हो, कोई भी हो, 10-12 जो भी कलर है ना जो भूसा अपना देती है वो लेके आओ। लेकिन ये चीजें थोड़ा सा हटके हो जाती हैं लिमिटेड एडिशनल वाले, तो दोस्तों इसके लिए तो फिर पैसा बनता है ना। इसमें टाइम और मेहनत दोनों ज्यादा लगती है, मेहनत फिर सारी चीजें महंगी हैं, तो जाहिर सी बात है उसके बाद ये चीज निखर के आती है तो बनता है ना ये चीज। एक और चीज है इसमें, मतलब कितने कलर है, मैं खुद ही गिन रहा हूँ, 1-2 इसके लिए तो फिर गिनना पड़ेगा। बहुत मेहनत से हुआ होगा यार ये कलर। सिल्वर भी है, ब्लैक भी है, रेड भी है, ये एयर ब्रेसिंग वाले कलर हैं। हाँ हाँ। जो समझदार हैं अपना जो कमेंट करके बता देंगे जिन्होंने देखे होंगे या कराया होगा, बहुत कुछ होता है ऐसी बात नहीं है। बाकी इसके स्टिकरिंग में भी थोड़ा सा मैं देख सकता हूँ, मतलब हाँ ये अपना स्टिकरिंग जो है ना ये रेडियम से नहीं है इसके कहीं भी। अच्छा अच्छा, सारे जो कलर है ना ये कलर से ही बनाए हुए हैं, जो स्टिकर प्रॉपर जो है ना ये कलर से ही बनाए हुए हैं, यानी को जैसे हम रेडियम लगाते ना ये वो वाले नहीं है। तो भैया एक चीज बताओ यार, एक क्वेश्चन है, आपकी बाइक इतनी नई कैसे लगती है, मतलब साफ सुथरी की रिबन बांधो और देखो पता क्या है, बाइक कोई भी हो कस्टमर हाँ। लेके आता है बिल्कुल, मान लो 10 साल पुरानी, कोई 5 साल पुरानी या बिल्कुल नई भी लाएंगे तो हमें जो काम है ना वो पूरा ही करके करना पड़ेगा दोबारा से, सारे नट बोल्ट नए, क्योंकि वो तो यूज होते नहीं है। और जब घर पे बाइक जाए तो ऐसे लगेगी बंदा कस्टमर जो है ना शोरूम से लेके आया हो, तो इसलिए मेहनत करते हैं यार। ये मेहनत का ही तो नतीजा आएगी, कोई बॉम्बे से भेज रहा है, कोई गुजरात से भेज रहा है, कोई केरला से भेज रहा है, कोई बिहार से बाइक आ रही है, तो जाहिर सी बात है काम लोगों को पसंद है तो जभी तो ये काम हो रहा है ना। तो ये बाइक कहाँ से आई है और कहाँ जानी है? ये तो सिवान से आई है। सिवान से आई है, हाँ। तो कैसे जाएगी? ये गति से। गति से मतलब वही ट्रेन वाला सिस्टम है ना? अभी ट्रेन चालू नहीं है ना लॉकडाउन के चक्कर में, तो अच्छा, अभी क्या गति की सर्विस बहुत बढ़िया है। हाँ। गति या वो सेफ एक्सप्रेस करके, अच्छा, तो अभी लोग समझ गए कि भाई कैसे बाइक भेजना है, यहाँ से कैसे भेजना है वो हम भेज देते हैं, बट चार्ज कस्टमर का होता है आने जाने का, लाने की सुविधा हमारे पास नहीं है। अच्छा। लेकिन कस्टमर को हम समझा देते हैं कि भाई साहब आप गति को फोन करो, ऑनलाइन है सब कुछ, वो तुरंत आपको फोन करेंगे। सही है, सही है, बाइक आपके घर से ही ले जाएंगे वो। अच्छा। और यहाँ आने के बाद, हाँ, बनने के बाद फिर हम डाल देते हैं, बाकी 4-5 दिन में जो भी होता है वो अपना चली जाती है। तो यार काफी लोग यही कमेंट करते हैं मेरी वीडियो में कि संजू भाई का नंबर दे दो, संजू भाई का एड्रेस दे दो, तो यार डिस्क्रिप्शन देखो, वीडियो मैंने डाल दी, वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें प्रॉपर भैया का नंबर भी दिया हुआ है, टाइमिंग भी दी हुई है कि भाई इतने टाइम से लेके इतने टाइम तक अगर आप फोन करोगे तो संजू भैया आपको बताएंगे, समझाएंगे कि बाइक कैसे आएगी, कैसे जाएगी, क्या रेट है, क्या नहीं है, सारी चीजें। प्यार बहुत ज्यादा मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है, काम भी आ रहा है लोगों का बाहर से, लेकिन कुछ लोग नहीं मानते हैं, 6 बजे फोन कर देता है, गलत बात है। तो वो जाहिर सी बात है दोस्तों, किसी का भी काम चाहे वो कोई भी है, चाहे ऑफिस का है, दुकान का है, शोरूम का है, 11 बजे से पहले शुरू नहीं होता। अब तो ठंड वैसे भी सर्दी है। सही बात है। जाहिर सी बात है, थोड़ा सा कोऑपरेट कर लो, 11 से लेकर रात के 10 बजे का टाइम बहुत होता है, सबको व्हाट्सएप पे जवाब भी मिलते हैं, सारी बातें भी होती है। अरे हमें जो है ना काम चाहिए, जाहिर सी बात है काम कर रहे हैं, अब वो 6 बजे फोन कर देगा यार तो थोड़ा सा नहीं हो पाता है ना, ये बात इस चीज को थोड़ा सा समझ लो बस, और कुछ नहीं। तो बस प्राइस तो आपको पता ही, 1,70,000 इसका प्राइस है, बाकी अगर आपको पेंट ऐसा कराना हो तो उसका प्राइस आप भैया से बात कर सकते हो कि भाई क्या लगेगा। अगर आपके पास कोई ऐसा कोई फोटो है, मान लो कहीं देखा हो इंस्टाग्राम पे, एफबी पे, या कुछ आप चाहते हो कि भैया हमारे को भूसा हमारे ये वाला हो जाएगा, तो हो जाएगा, सब हो जाएगा। काम आप देख रहे हो अभी, पहले ब्लू व्हाइट थी, अभी ये थोड़ा सा यूनिक है, और आगे भी आ रही है। कुछ भी करेंगे, कुछ नया करेंगे तो आप लोगों से जरूर शेयर करेंगे। सही बात, खास तौर पे भूसा की बहुत डिमांड आती है मैंने यार, ठीक है। अब देखो ना इसका वाइजर भी हमने रेड वाला ही लगाया है। हाँ, बहुत बढ़िया लग रहा है ये भूसा, तो मतलब सबसे अलग लग रही है। तो चलो यार, अगर आपको ये बाइक अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी अब इसको लेके चलते हैं रोड पे और आप देखो इसके बेहतरीन राइडिंग शॉट्स।